बहन शेख हसीना जी मोदी जी के राखी बांधने में कितना वक्त लगा रही हूँ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्द से जल्द आप राखी बांधो फिर मैं राखी बांधू मोदी जी के। मैं इतनी दूर से मोदी जी के राखी बांधने के लिए आई हूँ, उसके बाद मुझे लालू जी के घर भी राखी बांधने के लिए जाना है। बहन सोनिया जी, आप तो हर साल मेरे राखी बांधती ही हो, कुछ देर थोड़ा सा इंतजार कर लो। अरे बहन शेख हसीना जी हमारी मेहमान है, वो इस साल पहली बार मेरे राखी बांध रही है, अभी शुभ मुहूर्त में काफी वक्त है, शुभ मुहूर्त अभी नहीं निकलेगा। मोदी जी लो राखी तो बांध दी मैंने आपके, अब मोदी जी एक बात बताओ मुझे गिफ्ट क्या दोगे आप? एक भाई हमेशा बहन को गिफ्ट देता है राखी बांधने के बाद। बहन शेख हसीना जी आपको सब कुछ पता हो गया है, अरे राखी बांधी है आपने तो उपहार तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं उपहार लाना भूल गया दुकान से, अभी दुकान पे जाऊंगा केजरीवाल जी की, वहीं से तुम्हारे लिए कोई उपहार लाऊंगा। तो मोदी जी एक बात बताओ मेरे लिए भी उपहार लाना भूल गए होगे, मुझे तो लालू जी के पास भी जाना है। बहन सोनिया जी थोड़ी देर के रुकोगी नहीं घर पर? जब राखी बांधने के लिए आई हो मेरे घर तो कम से कम दोपहर का खाना खाकर जाना। तुम और बहन शेख हसीना जी जब तक खाना बनाओ अंदर घर पर, मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आता हूँ, जल्द से जल्द पहले मुझे राखी बांध दो। नहीं मोदी जी, खाना तो अभी नहीं खाना है, मुझे मम्मी जी को लालू जी के घर ले जाना है, वहां पर ये राखी बांध कर आएंगी, फिर उसके बाद मुझे भी बहन प्रियंका के घर जाना है, राखी बंधवा कर आना है। हर साल जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, इस त्योहार से भाई बहन का बहुत ही ज्यादा प्यार बढ़ता है। सोनिया जी जल्द से जल्द मोदी जी के राखी बांध दो, फिर हम लोग बहन प्रियंका के घर चलेंगे, क्योंकि बहन प्रियंका से मुझे भी राखी बंधवाना है। क्यों राहुल भैया? अरे अखिलेश तुम तो हर साल राहुल के साथ प्रियंका से राखी बंधवाते ही हो, बस मोदी जी के मैं राखी बांधूं और इनसे एक उपहार ले लूं, फिर चलते हैं हम लोग जल्द से जल्द। वैसे बहन सोनिया जी और शेख हसीना जी ये बताओ इस साल उपहार में क्या दूं तुम्हें? मोदी जी जो आपका मन हो वो उपहार में दे दो, हमारी तो यही कामना है, आप हमेशा खुश रहो और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।